सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस होता क्या है? तो बेसिकली इसमें, इस चैप्टर में फिलहाल हम लोग 3 पॉइंट जो मेन है उसको हम लोग कवर करेंगे। फर्स्ट, वेयर वी कैन फाइंड इट इन आवर डेली लाइफ। दैट मीन्स कॉन्ग्रुएंस जो कंसेप्ट है हमारे डेली लाइफ से कैसे कनेक्टेड है। अपने डेली लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन या कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट क्या है जिसे देखकर हम लोग समझ सकते हैं कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। सेकंड चीज हम लोग क्या कवर करेंगे, व्हाई वी शुड स्टडी। आखिर कोई भी स्टडी होती है क्लास की, कोई भी टॉपिक, तो कहीं ना कहीं हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से वो कनेक्टेड होता है और उसका कुछ न कुछ इम्पोर्टेंस होता है हमारे लाइफ में। स्टडी करने के पीछे रीजन होती है उसकी। दूसरा चीज हम लोग ये कवर करेंगे। और जो थर्ड पॉइंट है, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड मैथमेटिकली। फिर हम लोग जब समझ जाएंगे कि रियल लाइफ में कैसे कनेक्टेड है, हम लोग स्टडी इसको क्यों कर रहे हैं, तो फिर हम लोग जो रियल इसका जो स्ट्रक्चर है मैथमेटिक्स के फॉर्म में, उसको हम लोग कैसे समझेंगे और कैसे उसको हम लोग समझें कि ये कॉन्ग्रुएंस है। ये तीन चीजों को हम लोग कवर करेंगे, राइट। सो फर्स्ट, यहां पर आप जो पिक्चर देख रहे हो, ये आइस क्यूब है, ये गोल्ड बिस्किट है और ब्रिक्स है, ईंट है। तो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में ये सारे चीज कहीं ना कहीं आप संभव देखे होंगे। हो सकता है गोल्ड बिस्किट बहुत लोग ना देखें, लेकिन आइस क्यूब, ब्रिक्स, ये सब तो जरूर देखे होंगे। यहां पर आपको देखने से क्या लग रहा है? जो ऑब्जेक्ट है, सपोज आइस क्यूब है, देखो एक आइस क्यूब दूसरे आइस क्यूब से सिमिलर है, शेप साइज ऑलमोस्ट सब मिल रहा है। गोल्ड बिस्किट की बात करें, उसमें भी ये सारे एक दूसरे से मिलता जुलता है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। ब्रिक की बात करें, ये भी आप देखो यहां पर सिमिलर है। तो एक रफ आइडिया लगा कि हमारे लाइफ में ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं, ये सारे जो भी ऑब्जेक्ट हैं, या आइस क्यूब की बात करें हम लोग, या गोल्ड बिस्किट की बात करें, या ब्रिक, ये कहीं ना कहीं ये जो चीज है सिमिलरिटीज है आपस में, इनका शेप साइज वगैरह में। तो एक कंसेप्ट हमें ये मिला कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो कॉन्ग्रुएंस है, कहीं ना कहीं उनका जो लुक वाइज है कहीं ना कहीं सिमिलर होता है कुछ ना कुछ। हम लोग उसको डिटेल में जाएंगे, लेकिन देखना चाहते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में हमें क्या मिलता है, किस तरह का ऑब्जेक्ट देखते हैं, किस तरह का सिचुएशन हमें मिलता है जिसको हम बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंस का सिचुएशन है। तभी हम लोग टेक्निकली डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये समझेंगे कि ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज में सिमिलर है। अब धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरह मूव करना चाह रहा हूं। सो अभी आपने देखा कि हमारे पास कॉन्ग्रुएंस टाइप के जो ऑब्जेक्ट है क्या है, यानी सिमिलर है, शेप साइज इस टाइप से है। तो आखिर हम लोग इसको स्टडी क्यों करते हैं, व्हाई वी स्टडी? इसका रीजन ये है कि प्रोडक्शन ऑफ सेम ऑब्जेक्ट इन ऑल ज्योमेट्रिकल सेंस। कहने का मतलब, अगर एक ऑब्जेक्ट है, जैसे आपने देखा बैंगल, तो कोई भी इंसान जो पर्टिकुलर पहनता है सेम ही बैंगल पहनता है। तो एक बैंगल जो बना है उसके जैसा सिमिलर बने, यानी सिमिलर यानी कि हमारे पास कोई एक ऐसा फार्मा होगा, ढांचा होगा, जिसमें हम लोग डालते जाए और सिमिलर बनता जाए। तो सिमिलर स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करने के लिए, चाहे वो ब्रिक्स, ईंट, आइस क्यूब, आपने देखा होगा ट्रे होता है, उसके अंदर सेम वो स्ट्रक्चर बने होते हैं। अब बिस्किट देख लो नॉर्मल, जो आप यूज करते हो किसी ब्रांड का, वो कहीं ना कहीं सिमिलर उनके मतलब कि शेप साइज डिजाइन सब कुछ होते हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं प्रोडक्शन ऑफ सेम ऑब्जेक्ट को बार बार रेप्लीकेट करना है, प्रोड्यूस करना है, उसके लिए हम लोग इस कंसेप्ट को यूज करते हैं। इसलिए क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं सेम चीजों को, प्रोडक्ट को हमें प्रोड्यूस करना होता है। अब इसके वास्ट यूसेज है, ये फिलहाल जो हम लोग बेसिकली जो ग्राउंड लेमन की तरह समझ सकते हैं इस तरीके की बात है। अब यहां पर हम लोग समझेंगे कि हाउ वी कैन अंडरस्टैंड मैथमेटिकली। अभी तो हमने देख लिया कि कैसे होते हैं पिक्चर में, आखिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। अभी नॉर्मल हमने जनरल फॉर्म में उसके बारे में समझा, अब लोग मैथमेटिकल में बात करते हैं, उसको कंक्रीट हम लोग आइडिया देते हैं कि कैसे होता है। सो कोई भी जो दो ऑब्जेक्ट है, यदि वो कॉन्ग्रुएंस है, तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होंगे, शेप एंड साइज आर बोथ सेम एंड ओवरलैप एग्जैक्टली। कहने का मतलब उनका शेप और साइज ऐसा होगा कि आपस में बिल्कुल सेम होगा, यानी कि वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, सुपर इम्पोज हो जाए एक दूसरे के ऊपर। अब देखो, अब किसी हम लोग कहते हैं डिफरेंट शेप, बाय द वे कि हमने एक ले लिया कुछ ऐसा,
दूसरा कुछ ले लिया हमने ऐसा। अब देखो दोनों का शेप ही डिफरेंट है, तो ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है, यानी कि ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है, क्योंकि बात क्या है, शेप एंड साइड, यहां तो शेप ही नहीं दोनों का सेम है। अब बात करते हैं सेम शेप बट डिफरेंट साइड। अब सपोज हमने एक यहां पर इस तरीके से किया और दूसरा इस तरीके से बनाया, सपोज ये रेक्टेंगल है, सपोज दैट रेक्टेंगल है। अब यहां पर आप देखो कि कहीं ना कहीं ये 90 डिग्री है सारे, इनके शेप तो सेम है लेकिन साइज ये क्या है, ये बड़ा साइज है, साइज में बड़ा है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ कॉन्ग्रुएंस। ये दोनों जो पिक्चर है या फिगर है ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है। तो किस तरीके होते हैं, तो सेम शेप एंड सेम साइज, अगर इसको मैं ऐसा कर दूं कि बिल्कुल ऐसा ड्रॉ किया और सेम साइज का बिल्कुल इस तरीके से, तो इसमें क्या है कि बिल्कुल सेम साइज हो गया। सेम साइज मतलब ये सारे इनके यानी साइड साइड के बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, एंगल सारे आपस में एक दूसरे के बराबर है, तो यानी कि सेम शेप एंड सेम साइज यहां सारे बिल्कुल, यानी कि इसको अगर हम लोग मूव करना चाहें, यानी पिक्चर वन और पिक्चर टू, अगर टू को आप इस पर ऐसे मूव कर दो तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर कंग्रुएंस है तो शेप एंड साइज आर बोथ सेम, दैट इज वो ओवरलैप एग्जैक्टली करना चाहिए, राइट। सो अभी तो आपने समझ गया कि सेम शेप और सेम साइज वाले को हम लोग बोलते हैं कि कंग्रुएंट है। अब हम लोग देखते हैं कि इसको थोड़ा और ज्योमेट्रिकल तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर सपोज एक लाइन गिवन है, सपोज करो ये ए बी, ठीक है, और दूसरा लाइन कुछ ऐसा दिया हुआ है जो है सी डी। अगर ये लाइन का लेंथ इसके बराबर है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये लाइन आपस में यानी कि एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है ये। अब एंगल की बात करें, सपोज एक एंगल ऐसे है, ये सपोज हमारा ए बी सी, दिस इज 30 डिग्री। कोई हमारा एक और है एंगल इसी तरीके से, ये है डी, ये है ई और एफ, दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री। सो दीज बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, क्या है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, राइट। अब हम लोग शेप करते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं, दो ट्रायंगल, क्योंकि बेसिकली हम लोग जो अभी स्टार्ट करेंगे जो स्टडी फर्दर, वो ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सपोज एक ट्रायंगल लिया और ये एक ट्रायंगल लिया, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब कि सपोज अगर मैं बोल दूं कि ए बी सी डी ई एफ, इसका मतलब ये साइड इसके बराबर होना चाहिए, ये साइड इसके बराबर होना चाहिए और ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए। अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे करते हैं। तो फिलहाल आपको क्या समझ में आया कि कॉन्ग्रुएंट जो होता है दो फिगर, वो तभी हो सकता है जो सेम साइज सेम शेप हो।